छत पे चला गया अभी वो कूद जाएगा। अरे गिर जाओगे भी। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अदर व्लॉग। और आज हम अपने दिन की शुरुआत बहुत ही हेल्दी जूस से करने जा रहे हैं और जूस बना रहे हैं अपना एप्पल नहीं है बीटरूट है, कैरेट मतलब चुकंदर और गाजर। गाजर तो हमने ऑलरेडी डाल दिया गाइस इसमें, और हमारे पास ये चुकंदर है और चुकंदर का जूस अभी निकालते हैं। इसको छोटे छोटे पार्ट में कट कर रहे हैं बिकॉज इसके अंदर आसानी से ताकि चला जाए। और गाइस, हमारे घर में बर्तन मांजने वाली जो आंटी आती है वो जा रही है ना, तो यार इसको अंदर कर देते हैं। तो बाहर अभी जाएगा तो बाहर रहेगा तो इनके ऊपर अटैक करना कर दे, यही डर लगा रहता है। अरे चलो अंदर, ये नहीं अंदर चलो अंदर। सो गाइस, एरिस को अंदर बंद कर दिया है। एरिस को भाई रहा नहीं जा रहा है। एरिस आने पे सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जाने पे किसी को नहीं जाने देंगे, सब इनके साथ रहे बस। तो अभी ये भोके जा रहे हैं। अब वो चली जाए तो हम गेट बंद कर दें, फिर उसके बाद तभी ये शांत होगा। दो मिनट रुक जाओ देख ले एक बार गेट बंद है, नहीं तो भी गेट अगर खुला रहेगा। हम बंद कर दे रहे हैं जान दीजिए, हम बंद कर दे रहे हैं। बंद नहीं कर पा रहे थे गाइस, वो गेट हमारा थोड़ा ऊंचा है ना, गेट बंद करने वाला। हाँ रुक जाओ दो मिनट। हाँ जाओ नीच कहीं देखें, ये जाओ, जाता क्यों नहीं, जाओ बाहर। अब क्या करते हो ये, जाओ। इसको कट कर दिया है छोटे छोटे पार्ट्स में, अब केवल इसको ऑन करना है और ऑन करके जूस निकालना है। तो अब देख लीजिए कितना प्यारा जूस निकलेगा, धार उसकी इतनी अच्छी लगती है जब जूस गिरता है। जूस बन के तैयार हो गया है, तो अब जल्दी से इसको निकालते हैं और सर्व करते हैं पापा को डायरेक्ट। नमक डाल दें इसमें क्या, थोड़ा सा डाल दो, नमक डाल दें। हाँ काला नमक डाल दो। आप इसको गाइस एज इट इज भी पी सकते हो, इतना टेस्टी होता है ये जूस। और एक बार अगर पी लिए आप, और एक हफ्ते में अगर आप ज्यादा नहीं दो तीन बार ही पी लिए, तो भी आपके बॉडी में स्किन में फर्क दिखने लगता है तुरंत। इसकी धार देखिएगा बस, ग्लास रेडी हो गया हमारा और चलते हैं पापा को देते हैं। और गाइस ऐसा नहीं है पापा को ही दे रहे हैं, अभी मम्मी भी पियेंगी, हम भी पियेंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन पापा जा रहे हैं फैक्ट्री तो इस वजह से पापा को दे देते हैं पहले। सो गाइस, पापा का शूज, पापा जा रहे हैं फैक्ट्री, मैं जाऊंगा नहीं बिकॉज मेरे अंदर अभी कैल्शियम की कमी हो गई है बहुत ज़्यादा। अब मैं हल्का सा भी चलता हूँ तो मेरे पैर में, मैं हल्का सा वर्क लोड लेता हूँ तो मेरे पैरों में दर्द होने लगता है। पापा का जूता तो अंदर ही घुसा हुआ है, पापा सूज आ गया ये। पापा जा रहे हैं और एरिस अब मेरे पास नहीं आ रहे हैं। एरिस आओ, चलो इधर आओ, एरिस इधर आओ, चलो इधर आ जाओ। ये देख रहे हैं पीछे पीछे भाग रहा है, पेड़ पौधों के पीछे पीछे। इधर चलो अंदर, चलो अंदर 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 अंदर, पापा जा रहे हैं। नहीं ना ना, पापा जा रहे हैं, शाम को आएंगे। यहीं रहो गाइस, एरिस एकदम परेशान है कि पापा जाएं ना, बस ना जाएं, यहीं रहें। कहाँ ये लीजिए आपकी दवाई है। हाँ ये पत्ता सूख गया है, दिवाली पे लगा था, इसको एक दिन तोड़ के फेंकना है। एरिस की आवाज आ रही है, एरिस कहाँ गए भाई, एरो कहाँ हो यार तुम, इतने देर से पियू कर रहा है, कहाँ है एरिस, मैं बुला रहा हूँ बुलाने पे भी नहीं आ रहा है। एरो कहाँ हो, कहाँ चला गया ये एरिस। मम्मी एरिस बाहर है क्या, एरिस के नाम एरिस कहाँ गए भाई, कहाँ चला गया ये। अरे बंद थे तुम लाला, एरिस कमरे में बंद हो गए थे भाई, मम्मी झाड़ू उड़ू लगाते समय बंद कर दी थी। कहाँ थे बाबू एरो, कहाँ थे तुम, क्या हुआ था, बंद हो गया था गाइस। एरिस ये पैंट देकर के आते हैं सिलने के लिए बिकॉज अब घर पे हैं, ठीक हो रहे हैं, जब तक एनर्जी नहीं आती कहीं नहीं निकल रहे हैं, तो ये छोटा सा काम करके आते हैं। पापा ने ही कहा था इसको देने के लिए, तो चलते हैं इसको दे करके आते हैं। मतलब एक ही पैंट है ना, हाँ, एक ही है। और गाइस रख देते हैं इसको डिग्गी में, और आज हम लेके चल रहे हैं ये पापा वाला हेलमेट इस वजह से क्योंकि पापा छोटा है समझ के स्कूटी वाला हेलमेट लगा के चले जाते हैं। अब यही है केवल, अब यही बड़ा वाला इतना बड़ा हेलमेट लेके चलना पड़ रहा है स्कूटी पे। इसको डिग्गी में रख देते हैं, और तो और
इतनी गंदी हो गई है स्कूटी, इतना धूल लगा हुआ है इस पे, इसको पोंछ देते हैं। इतने दिन से जब कहीं निकलेगी नहीं ना तो धूल वूल एकदम जम जाता है। एरिस आओ आओ आओ, ये देखो मम्मी बुला रही हैं, आ जाओ अंदर। अब अंदर नहीं आएगा, अभी ये जान गया कि मुझे जाना, अभी अंदर नहीं आएगा। चलो अंदर बाबू, ऐसे नहीं करना चाहिए तुमको वहाँ। ना ना, अरे अरे फिर देख रहे हैं क्या, ये बदतमीजी क्या कर रहा है तू? इसको समझ नहीं आता, ये डांट भी खाने वाला काम कर देता कभी। क्यों मुझे परेशान कर रहे हो तुम? अरे 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 अरे, अरे, अरे। हम जान रहे हैं। अभी ये गाइस पता क्या करेगा, ये केवल गोल गोल कार के गोल गोल घूमेगा और मुझे गोल गोल घुमाता रहेगा। इतनी चालाकी क्यों करते हो तुम एरिस मुझसे, क्यों इतनी चालाकी करते हो? फिर अब मैं जा रहा हूँ कहीं पर, अंदर चल। टेलर की दुकान पे आ गए हैं, ये है दुकान, और चलते हैं सिलवाते हैं इसको जल्दी से। दे दिए पैंट और मरम्मत करनी पड़ेगी, एक दिन लगेगा। चलते हैं, मैंने बेवकूफ़ी कर दी है, नीचे मैंने एक पैर में सॉक्स पहना है, एक में नहीं पहना है। जल्दी जल्दी में मैं चला आया, अब चलते हैं घर। और थोड़ा एम्बैरेस फील हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, क्या करें, अब तो चले आए हैं ना। और भाई चलते हैं, ले लेते हैं मैगी थोड़ा सा, और अगर आटे वाली मैगी मिल जाएगी तो भाई और अच्छा है, और नहीं तो सादी वाली ले लेंगे। और गाइस बर्तन कोई खाली नहीं लग रहा है, कुकर यहाँ ढेर सारे दिख रहे हैं, तो चलते हैं कुकर में बनाते हैं भाई आज मैगी। और कुकर को ऊपर से खोल करके इसी कुकर में बनाएंगे। मम्मी भी खाएंगी थोड़ी सी मैगी, बिकॉज बेचारी मम्मी पूरे घर का काम करते करते थक जाती है, तो इस वजह से मम्मी को हम ट्रीट देंगे अभी अपने मैगी की। मैगी हमारी बन रही है एकदम ज़बरदस्त देसी घी में, हमारा देसी घी, वाह क्या महक आ रही है देसी घी। काश मैं वो महक आप तक पहुँचा पाता, लेकिन आप एहसास करिए बहुत अच्छी महक होती है देसी घी की। तो मैगी हमारी एकदम शुद्ध देसी घी में एकदम पूरी हेल्दी बनेगी, तो कोई मुझे ये ना कहे कि मतलब कि आप ये ऊट पटांग चीज़ें क्यों खा रहे हो, बिकॉज टोटल हेल्दी बन रहा है इसमें सब, क्योंकि हमारे साथ है हमारा राजा पनीर। गाइस हमारी मैगी बनके तैयार हो गई है गाइस, और मैंने अपने हाथ में ले लिया एक अपने लिए और एक मम्मी के लिए। चलते हैं मम्मी को ट्रीट देते हैं, और मुझसे जो हो पाता है गाइस मैं वही करता हूँ, जो कुछ भी हो पाता है मम्मी को खुश करने के लिए, जो मुझे बनाना आता है वही जल्दी से बना देता हूँ। आराम से मम्मी बैठी हैं, मम्मी को दे देते हैं। लो मम्मी अपना बनाए हो? हाँ नहीं कोई नहीं आएगा, खाओ। तो मम्मी कैसी है मैगी? अच्छी है, एकदम सिंपल सा बनाए हो, अच्छा बनाए हो। हाँ मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छा रहेगा, मैं एकदम सिंपल सा बना के खा रहा हूँ। घी में बनाए हो क्या? हाँ देसी घी में। चलो ठीक है, घी में बनाया, और कौन घी होता है। हाँ देसी घी, वही स्वाद आ रहा है ना। अच्छा हाँ अच्छा स्वाद आ, घी में बनाया हो ज्यादा ऑयल भी नुकसान करता है। हाँ ऑयल और शुगर अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप हमेशा फिट रहेंगे। भाई मैगी खा के तो मम्मी मजा आ गया ना आज। हाँ, अच्छा लगा है ना। मैं सोचता हूँ ना मम्मी को छोटे छोटे ऐसे सरप्राइज देता रहूँ, ताकि इनका जो काम रहता है ना, काम तो करना ही है, अब इस वजह से काम तो करना ही रहता है, तो इस वजह से मैं सोचता हूँ अगर मम्मी को थोड़ा थोड़ा ट्रीट देता रहूँगा ना, तो इन खुश हो करके सारा काम करती रहेंगे, बेचारी मम्मी थकेंगी भी नहीं, ऐसे सारा काम होता रहेगा। तो मतलब ये नहीं कि मम्मी काम करती रहे तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है, वो बस मेरा प्यार है। नहीं भूख भी लगी थी ना। हाँ मैं सोचा चलो अब खा ही रहा हूँ, तो मम्मी भी धूप में अभी गई हैं नहा करके, तो मम्मी के लिए भी लेके चलते हैं, थोड़ा सा खुश हो जाएंगी मम्मी। हाँ हम लोगों का नाश्ता हो गया ना। हाँ नाश्ता हो गया हम लोगों का, संभाल लीजिए। अरे गाइस अरे छत पे चला गया, अभी वो कूद जाएगा। इधर चलो अंदर आ जाओ नीचे, अब एरिस बिना आ गए, अरे गिर जाओगे भी, इधर आओ चलो, गिर जाओगे कह रहे हैं, अभी गिर जाओगे तुम। गाइस एक बार छत से गिरा है जब से ना, तब से इतना डर लगता है मुझको, जिसका कोई जवाब नहीं, इतना डर लगता है। छत से नीचे गिरा था, यहाँ से नीचे गिरा था, और बाल बाल बचा था, गमले के ऊपर गिरा था। कितने का मिला? 25-25 बक। यार इसका तो दाम ही बढ़ गया गाइस, वो बड़ा वाला ना हमारा एरिस का पेडिग्री खत्म हो गया है, अब नया आ रहा है, ऑर्डर किया हुआ है, पूरा खत्म है पेडिग्री। और गाइस एरिस प्यार से अपनी जगह पे जाकर के बैठ गए हैं, खाने का इंतजार कर रहे हैं, बस अभी एरिस को खाना परोसा जाएगा, बस दो मिनट। मम्मी थोड़ा सा राइस दे दो। लो एरू खा लो मेरा बच्चा। अब देवी का मेडिकल स्टोर के गाइस बहुत लेट हो जाता है कभी कभी एरिस का खाना, लेकिन चलो पेट भर के खा लेगा मेरा बाबू एरिस। मैं एरिस से सीखने की कोशिश करता हूँ, जो आपको मिले आप उसको सुकून से खा लो, और बहुत ज्यादा उम्मीद मत करो, कम खाओ गम खाओ, स्वस्थ रहो हेल्दी रहो।
एरिस को तो देखो कैसे सोए हुए हैं भैया के साथ। आलू और इतने क्यूट क्यूट से क्यों लग रहे हो आप? मस्ती कर दो। एरिस को देखिए गाइस, एरिस तो एकदम एकदम ह्यूमन बनने की कोशिश कर रहा है। और गाइस हम लोग चल रहे हैं अब बाहर मार्केट में और मम्मी को चल के दिखाते हैं कि भाई कितना ध्वंस हो गया है हमारा अयोध्या। बिल्डिंग पे बिल्डिंग, दुकानों पे दुकान, घर के घर, सब के सब जो भी हमारे अयोध्या के डेवलपमेंट में आ रहा है सब तोड़ा जा रहा है। और मतलब सब इसको क्या कहते हैं, मतलब कि रिनोवेशन चल रहा है, काइंड ऑफ रिनोवेट किया जा रहा है और विस्थापित किया जा रहा है अभी फिलहाल, लेकिन फिर स्थापित कर दिया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन ये हमारे अयोध्या की प्रगति के लिए है तो बहुत अच्छी बात है भाई। अभी चलो दिखाते हैं। लेकिन और गाइस मम्मी सामान ले रही हैं और वहाँ पर मम्मी ले रही हैं सामान, हम लोग आ गए हैं शॉप में और अभी जल्दी से लेकर के फिर चलते हैं एरिस की पेडिग्री लेने, बिकॉज एरिस की पेडिग्री भी लेनी जरूरी है। चले मम्मी चलो। तो गाइस अभी यहाँ से आंवला ले रहे हैं, आंवले का बनेगा अचार और जूस में भी डाल देंगे हम लोग जो सुबह जूस बनाते हैं। सो गाइस चलते हैं अब एरिस की पेडिग्री ले लेते हैं अपना बढ़िया दुकान से। सो गाइस एरिस की पेडिग्री हम लोग ले रहे हैं यहाँ से और लेके चलते हैं जल्दी से। ये हमारी दुकान है, यहाँ हम अक्सर आते रहते हैं खरीदने। अब वो ख़त्म हो गई है, अब आने में बहुत टाइम है तो अभी यही ले लेते हैं बाद में। कितना रुपये हुआ ये आपका? 699 है, 680 रुपये। सो गाइस अब चल रहे हैं, एरिस की पेडिग्री भी हो गई और अब चलते हैं मम्मी को दिखाते हैं ध्वस्तीकरण जो हुआ है अयोध्या में, मतलब कि उसका एक बार बहुत दिनों में मम्मी ने देखा नहीं है ना, तो चल के दिखाते हैं। तो गाइस सब कुछ ले हुए के एरिस का खाना और मम्मी के लिए सारा शॉपिंग सब कुछ करा करके आ गए घर। और इसमें एरो के लिए क्या मिला है भाई? एरो के लिए इसमें है कैल्शियम के बोन्स, तो इसमें गिफ्ट भी मिला है। तो अब एरिस को खिलाते हैं। एरो आओ, एरो देखो क्या आया है ये देखो कहाँ है ये कहाँ है? खाओगे? बैठ जाओ, पहले खाओगे, बैठ जाओ। अच्छा बैठ जाओ दे रहे हैं, बैठ जाओ दे रहे हैं। देखो कहाँ है ये? अरे बाप रे, इतना एक्साइटमेंट! वाह भाई वाह, एक्साइटमेंट अच्छा है। अरे वाह भाई वाह, कहाँ है ये? कौन खाएगा? अरे अरे अरे, भागा, हड्डी लेके भागा गया। भागा सा, मम्मी कह रही है भागा सा। खुशी तुम भी खाओगी? अरे खुशी भी खाना चाहती है गाइस, लेकिन ये आई एम वेरी सॉरी वो एरिस के लिए। वाह भाई वाह, एरिस वाह। मम्मी एरिस तो हड्डी पूरा खा लिए। अरे हड्डी माने वो हड्डी नहीं है, वो कैल्शियम की होती है, ऐसे असली वाली हड्डी नहीं है यार। जानी नहीं तुम ना, अरे ठीक है कोई बात नहीं, मेरे पास इतने यहाँ पर खा रहा है, वैसे भी कैल्शियम है गाइस, टोटल कैल्शियम, आप सब लोग जानते ही होंगे। सो गाइस अब मम्मी मेरे लिए खाना भी लेकर के आ रही है और सभी लोग एक साथ खाना चाहिए, लेकिन मुझे सबसे पहले क्यों दवा खाने जा रहे हो, इसलिए पहले पकड़ो। चलो गाइस अब खा लेता हूँ खाना और अभी सभी लोग खाना खाएंगे कुछ देर में। मुझे दवा भी आज खानी है और आज मैं सुबह वही जो थोड़ी सी मैगी खाया था वही खाया, उसके अलावा कुछ भी नहीं। और गाइस ये खाना खाते हैं और आपसे मिलते हैं कल एक नए ब्लॉग में। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा। ये बहुत डिलीशियस, मुँह में पानी आ रहा है, इसमें बढ़िया बना हुआ है। क्या है ये भाई? निमोना, जो आपसे बताया था। तो ये ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में। बाय, गुड नाइट। हे मम्मी, मम्मी अति सुंदर अति उत्तम भोजनम, ठीक है।